हेलो फ्रेंड्स, अक्सर कहा जाता है कि यदि हमें माँ बनना है या फिर हम कंसीव करना चाहती हैं तो हमारी पूरी की पूरी कंडीशन सही होनी चाहिए, ना केवल फाइनेंशियली तरीके से बल्कि फिजिकल तरीके से भी। कई ऐसी बीमारियां होती हैं जो यदि हमें हो जाए तो हमें प्रेगनेंसी के बारे में नहीं सोचना चाहिए। आइए जानते हैं उन्हीं बीमारियों के बारे में, अगर वो आपको हैं तो आपको उस सिचुएशन में प्रेग्नेंट होने के बारे में नहीं सोचना चाहिए। डिजीज यानी कि बीमारी नंबर एक है हाइपोथायराइड। जी हाँ, अगर आपको हाइपोथायराइड की शिकायत है या आपको ऐसा लग रहा है कि आपको ये बीमारी हो सकती है तो आपको इसका टेस्ट जरूर करवाना चाहिए, क्योंकि अगर आपको हाइपोथायराइड की बीमारी हो जाएगी और उस समय आप प्रेग्नेंट हो जाएंगी तो उसकी वजह से आपकी कोख में पल रहे बच्चे को भी काफी बीमारियों का खतरा हो सकता है। डिजीज नंबर टू है डायबिटीज यानी कि मधुमेह। अगर आपको मधुमेह है तो आपको माँ बनने से पहले सबसे पहले अपने शुगर लेवल को टेस्ट करवाना चाहिए, क्योंकि यदि आपका शुगर लेवल जरूरत से ज्यादा हुआ और आपने कंसीव कर लिया तो हो सकता है कि डिलीवरी के टाइम बच्चा अंडरवेट पैदा हो। डिजीज नंबर थ्री, अगर आपको ऐसा लगा है कि यदि आपकी पहली प्रेगनेंसी में कोई कॉम्प्लिकेशन हुई थी जिसकी वजह से आगे आपको कंसीव करने में प्रॉब्लम हो सकती है तो माँ बनने से पहले एक बार डॉक्टर से संपर्क करना बहुत जरूरी है। सो दोस्तों, अगर आपको इन तीनों डिजीज में से कोई भी एक सता रही है तो डॉक्टर से परामर्श करें, अपने सारे चेकअप कराएं और उसके बाद ही कंसीव करने के लिए ट्राई करें। इस वीडियो को देखिए और अपने व्यूज को हमारे साथ शेयर करिए। मेरी ब्यूटी और हेल्थ से रिलेटेड वीडियोस को देखने के लिए यूट्यूब पर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।